दोस्तों आज इस वीडियो में आपको 26 जून 2021 को JCM मीटिंग के दौरान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कौन कौन से फैसले लिए गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि महंगाई भत्ता बहाल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, नया ड्यूटी अलाउंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इन सब के बारे में इस मीटिंग के दौरान चर्चा की गई थी, तो हर एक टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। फिलहाल ये नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड्स के द्वारा 26 जून 2021 को हुई मीटिंग की मिनट जारी की गई हैं और इसके बाद में यानी कुछ समय के बाद में कार्मिक विभाग के द्वारा भी JCM मीटिंग की मिनट्स जारी की जाएंगी, उनके बारे में भी आपको हमारे चैनल पर बताया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हर एक नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पर 26 जून 2021 को JCM की मीटिंग के दौरान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 29 मुद्दे थे, 21 एजेंडे हैं जिनके बारे में क्या फैसला लिया गया है उसके बारे में यहाँ पर आपको बता देते हैं। और इस फाइल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि डिसीजन टेकन ऑन द एजेंडा पॉइंट्स, तो यहाँ पर बताया गया कि 29 एजेंडे में से 21 एजेंडे जो पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कशन हुआ था। और तो आइए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सा फैसला यहाँ पर लिया गया उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर इशू था कि जो नॉन सीजीएचएस टाउन में रहने वाले पेंशन भोगी हैं उन्हें इंडोर ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर का रिइंबर्समेंट यहाँ पर किया जाए। तो इसके संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा ये कहा गया है कि जल्दी ही इस इश्यू को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक आदेश यहाँ पर जारी किया जाएगा और नॉन सीजीएचएस टाउन में रहने वाले पेंशन भोगियों के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा जल्दी ही की जाएगी। तो इस मांग को भी लगभग मान लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इश्यू था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए एडवांस का भुगतान यहाँ पर किया जाए। तो यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया कि इस इशू के यानी कि फिलहाल ये जो इशू है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के कंसिडरेशन में है और जल्दी ही इसके संबंध में एक स्पष्टीकरण हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाएगा। और आगे यहाँ पर ये भी बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को CGHS पैकेज रेट के हिसाब से 90% जो खर्चा है उसका एडवांस उन्हें दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर मांग थी कि जो सरकारी कर्मचारी जो कि CSMA रूल्स के तहत कवर्ड हैं और यदि उन्हें किसी वजह से हॉस्पिटल में ओवर स्टे करना पड़ता है तो वो जो उसका जो खर्चा है उसका रिइंबर्समेंट भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा ये कहा गया कि ये जो मामला है ये फिलहाल कंसिडरेशन में है और जल्दी ही इसके संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा आदेश यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो कर्मचारी जिनको कि किसी भी ओवर हॉस्पिटल में ओवर स्टे करना पड़ता है और जो खर्चा होता है उसका रिइंबर्समेंट भी उन्हें आगे आने वाले समय में मिल जाएगा। चौथा इशू यहाँ पर था कि जो केंद्रीय कर्मचारी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनको यहाँ पर हॉस्पिटल केयर अलाउंस का भुगतान किया जाना चाहिए। तो ये काफ़ी कर्मचारियों की मांग थी। तो इसके संबंध में फिलहाल ये कहा गया कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके कंसिडरेशन में ये इशू है और जल्दी ही इसको मान लिया जाएगा और सभी केंद्रीय कर्मचारी जो कि हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उन्हें हॉस्पिटल केयर अलाउंस का भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि इसके द्वारा ये भी कहा गया कि जो रक्षा मंत्रालय है वो रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए इसके संबंध में आदेश जारी कर सकता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने अब साफ कह दिया कि कैबिनेट सेक्रेटरी डिसाइडेड दैट मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री में इश्यू इंस्ट्रक्शंस टू इंप्लीमेंट द गवर्नमेंट्स ऑर्डर टू द डिफेंस एम्प्लॉयज। तो डिफेंस के जो एम्प्लॉयज हैं जो कि हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उन्हें अब जल्दी ही HPCA यानी कि हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस का भुगतान होने लगेगा। पांचवा इश्यू यहाँ पर था कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन हैं उन्हें यहाँ पर मान्यता दी जाए। तो इसके संबंध में कार्मिक विभाग के द्वारा ये कहा गया कि इससे पहले से ही यहाँ पर आदेश जारी किए जा चुके हैं और केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों को समय समय पर मान्यता भी प्रदान की जा रही है। छठा इशू यहाँ पर था जो कि कोविड रिलेटेड जो इशू हैं उनसे संबंधित था और यहाँ पर फैसले इस प्रकार लिए गए हैं कि जो स्टाफ साइड ने की मांग थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिसमें कि रेलवे, डिफेंस, पोस्टल सभी को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा यहाँ पर दिया जाए। उसके बाद में जो स्टाफ साइड की डिमांड ये भी थी कि केंद्रीय कर्मचारियों को COVID-19 जो पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें क्वारंटाइन लीव यहाँ पर ग्रांट की जाए, स्पेशल लीव यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाए जो कि लॉकडाउन में फंस गए थे उन सभी के लिए भी यहाँ पर ये मांग उठाई गई थी। और 20 लाख रुपए तक की मुआवजा राशि की मांग यहाँ पर की गई थी उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिनकी कि COVID-19 की वजह से मौत हो गई थी। तो ये भी कहा था। और उसके बाद में जो कंपनसनेट नौकरी है अनकंपन नौकरी है उसकी भी जो लिमिट यहाँ पर 5% है उसे हटाया जाए, उसे हटाने की मांग भी यहाँ पर की गई थी। और सभी केंद्रीय कर्मचारी जिनके की डेथ COVID-19 की वजह से हो गई थी उनके परिवार वालों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी यहाँ पर दी जाए। तो यहाँ पर DOPT के द्वारा ये कहा गया कि इस मामले को भी माना जाएगा यानी कि कंसिडर किया जाएगा। DOPT के द्वारा ये यहाँ पर साफ कह दिया। तो हो सकता है कि जल्दी ही इन सभी मांगों को मान लिया जाए और DOPT के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया जाए। और उसके बाद में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो कोविड रिलेटेड चार्जेज हैं, खर्चा जो हुआ है मेडिकल चार्जेज, उस
का पूरा रिइंबर्समेंट केंद्रीय कर्मचारियों को किया जाएगा। तो ये कुछ कोविड रिलेटेड इश्यूज थे जिनके संबंध में DOPT और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा मांगे मान ली गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो कि CGHS के बाहर के दायरे में रहते हैं उनके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की जाए। तो यहाँ पर ये कहा गया द मैटर वुड बी कंसिडर्ड बाई द हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री को इसके संबंध में डिसीजन लेना है, लेकिन हो सकता है जल्दी ही इसको भी मान लिया जाए। और आठवां एजेंडा यहाँ पर था कि जो PSUs हैं जिन्हें किस केंद्र सरकार के द्वारा निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है उनका निजीकरण यहाँ पर किया जा रहा है, तो उसको भी यहाँ पर वापस लिया जाए और जो PSUs हैं उनका निजीकरण नहीं किया जाए। तो यहाँ पर खासतौर से जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने ये कहा कि द हेल्थ मिनिस्ट्री इज टेकिंग स्टेप टू रिवाइव द PSU वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि बाकी को के बारे में कुछ यहाँ पर नहीं कहा गया, लेकिन खासतौर से जो वैक्सीन रिलेटेड जो PSUs हैं उन्हें फिलहाल रिवाइव किया जा रहा है। उसके बाद में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में नौकरी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए GPF यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड की शुरुआत किए जाने की मांग की गई थी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि द डिमांड ऑफ द स्टाफ साइड वुड बी रिकंसिडर्ड, एक बार फिर से इसे दोबारा देखा जाएगा। हालांकि ये जो मांग है वो लागू होना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये यहाँ पर कहा गया कि इसे दोबारा से रिकंसिडर्ड किया जाएगा। तो दसवां यहाँ पर था कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो एडहॉक बोनस है उसकी जगह पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान यहाँ पर किया जाए। तो यहाँ पर ये कहा गया कि इसके संबंध में लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा जो बोनस एक्ट है उसमें संशोधन किया जाएगा और केंद्रीय कर्मचारियों को भी अब प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो हो सकता है कि जल्दी ही इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिए जाएँ। और फिर यहाँ पर कहा गया कि जो केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, उसमें रिवाइज यानी उसको रिवाइज करने की मांग थी। तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि इस मामले को सेपरेट स्टाफ साइड के साथ में डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद में ही इसके संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। फिर जो 12वां मुद्दा यहाँ पर था कि महंगाई भत्ते की और महंगाई राहत को फिर से बहाल किया जाए। तो यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने यही कहा है कि ये जो इशू है इसको बारे में सरकार को भी मालूम है और सरकार पहले कह भी चुकी है कि 1 जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। और हालांकि एरियर देने से उन्होंने साफ नहीं कहा है कि एरियर दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, लेकिन महंगाई भत्ते की बहाली के संबंध में उन्होंने ये कहा है कि सरकार इसके संबंध में जल्दी ही आदेश जारी करेगी, सरकार को भी ये मालूम है। तो अब यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बारे में ये जरूर है कि महंगाई भत्ता मिलेगा, लेकिन एरियर मिलना यहाँ पर फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। उसके बाद में 13वीं मांग यहाँ पर थी कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें 7वें वेतन आयोग में स्विच ओवर करने के लिए एक और मौका यहाँ पर दिया जाए। तो इसके संबंध में एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर ने ये कहा है कि ये जो टॉपिक है यानी ये जो पॉइंट है इसे स्टाफ साइड के साथ में सेपरेटली डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद में ही आदेश यहाँ पर जारी किए जाएंगे। फिर 14वां यहाँ पर एजेंडा था कि 7वें वेतन आयोग लागू होने से जो एनोमलीज उत्पन्न हुई हैं उनको भी तुरंत हटाया जाए और कर्मचारियों को फायदा यहाँ पर दिया जाए। तो इसके लिए भी ये कहा गया कि ये जो मामला है इसे फिर से दोबारा से डिस्कस किया जाएगा और जो मांग है उसे भी यहाँ पर माना जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एजेंडा था कि जो अनुकंपा नौकरी है जिनको कि जो केंद्रीय कर्मचारी इनको डिसमिस कर दिया गया था या फिर नौकरी से रिमूव कर दिया गया था उनके परिवार वालों को अनुकंपा नौकरी यहाँ पर दी जाए। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो मैटर है ये अंडर एग्जामिनेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन में और वहाँ से क्लियरेंस मिलने के बाद में ऐसे मामलों में भी अनुकंपा नौकरी दे दी जाएगी। फिर यहाँ पर था कि जो केंद्रीय कर्मचारी NPS के अंदर कवर्ड हैं उनको भी NPS की जगह पर ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ यहाँ पर दिया जाए। तो यहाँ पर कहा गया कि द डिमांड ऑफ द स्टाफ साइड फॉर मिनिमम पेंशन वुड बी कंसिडर्ड सेपरेटली, तो इसके संबंध में भी अलग से चर्चा यहाँ पर की जाएगी। हालांकि वित्त मंत्रालय के द्वारा भी आदेश जारी कर दिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारी जो कि NPS में कवर्ड हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि इस मामले को सेपरेटली कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस और रनिंग अलाउंस को इनकम टैक्स से बाहर रखने की मांग यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर कहा गया कि द डिमांड ऑफ द स्टाफ साइड वुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, तो उसके पदाधिकारी यहाँ पर शामिल नहीं थे। तो इसके बाद फिर से इसे इश्यू को डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के सामने लाया जाएगा और वहाँ से जो फैसला होगा उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। फिर यहाँ पर था कि जो 80 साल और उससे ज़्यादा आयु वाले पेंशन भोगी हैं उनको इनकम टैक्स से छूट दी जाए। तो यहाँ पर भी यही कहा गया कि जो इश्यू है इसे डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के नोटिस में लाया जाएगा और जो फैसला होगा उससे अवगत कराया जाएगा। फिर बाकी जो
इश्यूज हैं वो रेलवे कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं, खासतौर से जो अप्रेंटिस एक्ट है उसमें बदलाव करने की मांग की गई थी। तो यहाँ पर भी कहा कि जो इशू है इसे स्टाफ साइड के साथ में सेपरेट इशू डिस्कस किया जाएगा। फिर 20वां मुद्दा यहाँ पर था कि विदड्रॉ द डिसीजन टू कॉर्पोरेटाइज द रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसका कि सरकार के द्वारा निजीकरण किया जा रहा है। तो इसके संबंध में भी यही कहा गया कि सरकार ने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनको 7 कंपनी में बनाने का आदेश पहले से ही जारी कर दिया गया, तो इस मामले का फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, ये साफ उन्होंने कह दिया है। और उसके बाद में जो रेलवे के सीनियर इंजीनियर्स हैं उन्हें यहाँ पर गजेटेड स्टेटस देने की मांग की गई थी। तो इसके संबंध में ये कहा गया कि था जो ये मैटर है इसे सीआरबी के साथ में डिस्कस किया जाएगा और वहाँ से जो फैसला होगा वो फैसला सभी को अवगत कराया जाएगा। फिर यहाँ पर एक मांग थी कि नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान सभी केंद्रीय कर्मचारी जिनका कि बेसिक पे 43,600 रुपये और उससे अधिक है उनको भी दिया जाए। तो यहाँ पर भी ये कहा गया कि ये जो इश्यू है इसे चेयरमैन रेलवे बोर्ड के साथ में डिस्कस किया जाएगा और इसे जल्दी ही अंतिम रूप यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये कुछ 22 ऐसे ऐसे एजेंडा थे जिनके बारे में फिलहाल निर्णय लिया गया है और मीटिंग के दौरान डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा जो 8 एजेंडा पेंडिंग है उनके बारे में सेक्रेटरी डीओपीटी के साथ में सेपरेट मीटिंग की जाएगी और उसके बारे में भी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना जानकारी कैसे ले कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी इन सभी एजेंडे के बारे में जान सकें और